أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear brothers and sisters, I welcome all of you with Islamic greetings. May peace and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and blessings of Allah be on you. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء I would like to introduce myself just before I share my story, how I embraced Islam. My name is Muhammad Umar Rao. I come from the background of Brahmin family, a sect in the Brahmin known as Vaishnavas or Madhvas. So I am from that particular sect. And I was also an ex-RSS member of about 1 or 2 years. And my birthplace was Mysore till my 10th standard, and then we migrated to Bangalore. And I'm only a son to my parents, and I have 2 sisters. By profession, I'm a software engineer working in a telecom company. Now, to start with, you know, how I embraced Islam, I never dreamt in my life. Actually, this talk is in Urdu, so I switch over to Urdu now after my introduction. मैं कभी मेरे ख्वाबों ख्याल में ये नहीं सोचा था कि मैं मुसलमान बनूंगा और मैं मुसलमानों से सख्त नफरत करता था और मुसलमानों से काफी दूर रहता था और कभी ये सोचा नहीं कि मुसलमान सही रास्ते में हो सकते हैं और ब्राह्मिन फैमिली भी ऐसी थी बहुत ऑर्थोडॉक्स थे इसके हिसाब से मैं कभी ये कोशिश भी नहीं किया कि मुसलमान लोग किस चीज पर बिलीव करते हैं ये हम लोग माइग्रेट हुए मेरे 10th स्टैंडर्ड के बाद मैसूर से बैंगलोर को फॉर हायर स्टडीज मेरे आगे पढ़ाई के लिए तब मेरे माँ बाप ने डिसाइड किया ये एक सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा होना चाहिए उनके काम छोड़कर वो मेरी माँ टीचर थी और मेरे फादर जो है एक टेक्सटाइल इंजीनियर थे केयर मिल में थे वो जब बंद हो गया मैसूर में तो केएसआरटीसी में काम करते थे इतना वो खुश नहीं थे उस जॉब से लेकिन वो जॉब मैसूर बैंगलोर वो अप एंड डाउन करते थे वो हमारे साथ में रहते थे और मेरी माँ बाप ये सोचा कि उनके जो कमाई है उससे ये काफी नहीं है कि वो हम सब बच्चों को पढ़ाए हम तीनों बच्चों को पढ़ाए और बैंगलोर में मतलब और आगे बढ़ने के लिए और थोड़ा पैसा चाहिए इसलिए उन्होंने क्या किया कि पार्ट टाइम में काम करना या पार्ट टाइम में इन्वेस्ट करना उन्होंने सोचा जो उनके पास पैसा था उन्होंने ये पार्ट टाइम एक दुकान में इन्वेस्ट करने के लिए सोचा और एक एक मराठी बिजनेसमैन थे उनसे इन्होंने मिला और उन्होंने जब पार्ट टाइम ऐसा कुछ करना चाहते जब उन्होंने बताया ऐसा तो उस मराठी शॉप ओनर ने एक मुसलमान शॉप ओनर थे राजाजी नगर में उनसे मिलवाया तो मेरी माँ ने बताया मेरे माँ बाप मेरे अंकल थे उनको बताया कि हम एक काउंटर आपके दुकान में हमारा थोड़ी चीजें हम सेल करेंगे और उसमें जो प्रॉफिट आएगा हम वो थोड़ा शेयर करेंगे लेकिन वो मुसलमान इतने अच्छे थे कि वो कुछ शेयरिंग में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लिया उन्होंने बोला कि तुमको जो करना है कीजिए मतलब आप इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका फायदा भी आप ले सकते हो कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने चार्ज नहीं किया और मेरे माँ बाप बहुत इम्प्रेस थे और घर में हमेशा उनके बारे में बात होती थी कि ये मुसलमान लोग इतने अच्छे हैं कि ये हुनर हमने हमको शॉप ये शॉप में जगा दिया बोल के लेकिन मैं इससे बहुत नाराज था कि मेरे माँ बाप डेली उनके बारे में अच्छा ही बोले जब मैं उनको नफरत करता हूं जब मेरी माँ की स्कूल जब ईयरली खत्म होता था जब उसको 2-3 महीने हॉलीडेज होते थे तो मेरी माँ इस दुकान पे जाके उनको भी मदद करती थी उनके लिए भी काम करती थी और उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी बेचती थी और मेरी माँ को ये पसंद था कि मैं जाके वो काम करूं और मैं जाके थोड़ा बिजनेस सीखूं इससे मैं थोड़ा जिम्मेदार हो जाऊंगा और अच्छा हो जाऊंगा और घर में मुझे बोले कि तुम जाके इसको संभालो और मैं बोला कि मैं किसी से भी काम करूंगा मुसलमान के साथ मैं नहीं कर सकता हूं और कोई जरूरी भी नहीं है कि अभी मैं काम करूं और घर पे इतना गरीबी नहीं है मैं काम करके आपको कमा के खिलाऊं जब मैं पढ़ रहा हूं तो मेरी माँ ने मान लिया और मैं दूसरी जगह काम करता था 1-2 दिन के लिए फिर बाद में छोड़ दिया और घर में रहता था ड्यूरिंग माई हॉलीडेज जब मेरे छुट्टियां होती थी तो फिर जब दूसरी बार मेरी माँ को छुट्टियां आई तो मेरी माँ मेरे नानी माँ और मेरे पेरेंट्स वो सब मुझे बहुत इंसल्ट किए कि तुम जाके करो तुम जाके काम करो जब तुम्हारी माँ जाके काम कर रही है तुम्हारे बहन जाके काम कर रहे हैं और उनकी बिजनेस वो देख रहे हैं तुमको भी देखना चाहिए तुम्हारे पैसा है ऐसे घर में बैठने से अच्छा तुम जाके करो घर की औरतें कर रहे हैं बाहर
तब मैंने सोचा कि ठीक है जाता हूँ। फिर घर मैंने उस दुकान में गया, राजा जी नगर में। वो लोग बोले आप चिकपेट में हमारी मदद कीजिए, इधर आपकी जरूरत नहीं। तो उधर मैं काम कर रहा था। जब इधर मैंने काम करना शुरू किया, मुझे और ज्यादा गुस्सा आया कि इनको देखकर, वहां पे हिंदू लड़कियां मुसलमान होते थे, तब मैं बहुत नफरत करता था उन लोगों को जो मुसलमान कराते थे ऐसे लोगों को। मैं सोचा ये मुस्लिम लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, इनको तो जगह पाकिस्तान में है, ये लोग हमारे हिंदुओं को क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिर बहुत गुस्सा था, बहुत झगड़ा करता था उनसे। फिर ऐसी ये जब हो रहा था, वो शॉप के ओनर जो थे वो बैंगलोर में नहीं थे, वो कहीं और थे, बॉम्बे में थे। और इसी आर्गुमेंट में उन्होंने थोड़ी चीज बताई। फिर बाद में उन्होंने बोला कि आप कुरान पढ़ो, कुरान से आपको कुछ समझ में आएगी, एक किताब है। फिर बाद में मैं सोचा कि अच्छा मैं इनको सिखा। अब मैं हिंदू लड़कियों को जब पूछा तुम लोग क्यों इस्लाम में, वो लोग कुछ आंसर नहीं करते, तो वो इतना ही बोलते थे कि ये सच है इसलिए हम आ गए, या ज्यादा वो बोलते नहीं थे। और मैं सोचा कि अब आप लोग, ये लोग तो अनएजुकेटेड हैं, मैं ब्राह्मीण फैमिली से हूं और मैं समझता हूँ हिंदुइज्म क्या है बराबर, और मैं इनको एक सबक सिखाऊंगा, मैं इनको हिंदुइज्म सिखाऊंगा ताकि हम भी सच हैं। तब मैं हिंदुइज्म और ज्यादा गौर से देखने लगा कि हिंदुइज्म में है क्या। और मीन टाइम कुरान भी मैं पैरेलली कुरान भी पढ़ रहा था। थोड़े मैं एनालिसिस किए, थोड़े भगवान की एज पर हिंदू बिलीफ वो क्या करते थे, उनके उनकी क्या हिस्ट्री है, उनकी क्या बैकग्राउंड है, उनकी क्या ये है। उसके बाद मैं क्रिश्चियनिटी भी पढ़ा, फिर बाद में मैं इस्लाम कबूल किया। तो वो एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं अभी। पहले जो थे, जब मैं आरएसएस मेंबर था, हमको डेली सुबह में ये बोलते थे कि राम मंदिर हमारा है, कश्मीर हमारा है, तो ये सब होता था। फिर बाद में मैं सोचा कि राम मंदिर, जब उसको बोल रहे कि राम हमसे ज्यादा सबसे ज्यादा पावरफुल भगवान है, तो उसके बारे में थोड़ा एनालिसिस किया। राम जो है वो एक जो किंग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं राजा, वो राजा के घर में पैदा होता है और उसकी 7 बीवियां होते हैं उस राजा को, और 7 बीवियों में एक बीवी के बेटे होते हैं राम। और कुछ फैमिली मिसअंडरस्टैंडिंग से इस भगवान को, जो एज पर हिंदू बिलीफ, इसको घर से बाहर निकाल देते हैं और उसको बोलते हैं वनवास। एक 14 ईयर्स, 14 ईयर्स ये वनवास को भेजते हैं जंगल में। इस टाइम पे क्या होता है, रावण एक राक्षस है और वो राक्षस राम को, राम की वाइफ को किडनैप करना चाहता है। और जब ये प्लान बना रहा है, राम को ये मालूम भी नहीं कि मेरी वाइफ को कोई किडनैप करने के लिए प्लान कर रहा है, और राम को ये मालूम नहीं हो रहा कि इस बात राम को मालूम ही नहीं हो रहा है। तो मैं सोचा कि भगवान को अगर उसको मालूम ही नहीं हो रहा है, उसके घर वालों पर अटैक हो रहा है, तो उसको क्या मालूम रहेगा मेरे ऊपर क्या मुसीबत आएगी, मुझे कैसे बचाएंगे। तो इसलिए मैं, और आगे जब स्टोरी देखा रामायण, और रामायण जब पढ़ा, यहां तक आती है कि रावण प्लान बनाता है और उसके काम वालों को बोलता है तुम जाके उसके सामने एक हिरण बन जाओ, जब तुम हिरण बन जाओगे राम और लक्ष्मण जो है तुम्हारे पीछे भागेंगे, और जब तुम्हारे पीछे भागेंगे तुम ज्यादा दूर भागो, और जब राम और रावण ज्यादा, राम और लक्ष्मण जब ज्यादा दूर चले जाए घर से, तब मैं जो है रावण मैं आके सीता को किडनैप करूंगा। तो ये ऐसा ही होता है, और राम को ये 1% भी इसका मालूमात नहीं होता है। और ये मैं सोचते रहता था ये भगवान कैसा हो सकता है, उसके घर वालों के ऊपर कोई अटैक कर रहा है और उसके घर वालों को कोई किडनैप कर रहा है, लेकिन इसको मालूम भी नहीं हो रहा है। और ऐसे ही आता है रावण की काम वाला जो है वो हिरण बन जाता है, राम उसके पीछे भागता है, लक्ष्मण भी उसके पीछे भागता है, ये बोलकर ये लक्ष्मण रेखा है इसको पार मत करो, और वो दोनों भागते हैं। अभी इसके टाइम पे क्या होता है, रावण जो है एक भिक्षुक जो बोलते हैं ये भीख मांगने वाले के वेश में आते, वो उसको सीता को बुलाता है कि मुझे कुछ चाहिए। अब सीता जब बाहर आती है वो बोलती है मैं ये रेखा से आगे नहीं आ सकूंगी। फिर उनके बाद में डिस्कशन होता है और रावण बोलता है कि आप बाहर आके देना चाहिए कि मैं कोई भिक्षुक नहीं हूं लेकिन मैं एक अच्छा भिक्षुक हूं। तो सीता उस लक्ष्मण रेखा से पार करती है, पार करके जो है जब जाती है, रावण उसको किडनैप करता है। जब वो किडनैप कर रहा होता है तब भी राम को और लक्ष्मण को मालूम नहीं होता कि मेरी बीवी मेरे घर पे अकेली है और उसको कोई किडनैप कर रहा है। हाँ, जब किडनैप हो रहा है तभी भी सीता अपने आप को बचाने की भी कोशिश नहीं करती है, वो बहुत मजबूर होती है और वो रावण किडनैप करता है, वो लेके चले जाता है। इसके बाद जो है राम उसको तलाशने के लिए, वो उसको कौन किडनैप किया, उसको वापस लेके आने के लिए वो कितने साल लगा देता है। और ये हनुमान जिसको बोलते हैं, ये उनको बोलते हैं वानर बोलते हैं कन्नड़ा में, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मंकीज, उनकी मदद से, ये बंदरों के मदद से वो कितने सालों के बाद
सीता को वापस लेके आता है। और मेरे दिमाग में यही बात आता था, अगर राम सच्ची में भगवान है तो उसको इन वायुसेना की क्यों इनकी इनकी क्यों जरूरत है, ये वानरों जिसको बोलते हैं बंदर, इसकी क्यों जरूरत है, ये खुद जाके लेके आ सकता है। अगर ये भगवान है तो इसकी कोई जरूरत नहीं कि इसको किसी और की मदद की जरूरत नहीं, भगवान खुद अपने काम कर सकता है। लेकिन इसकी वाइफ को लेके आने के लिए ये बंदरों की मदद से लेके आता है। फिर भी लेके आने के बाद सीता को बोलता है कि मैं तुम पर लोग तुम पर शक कर रहे हैं, तो इसीलिए तुमको एक टेस्ट करना पड़ेगा, तुम पे एक टेस्ट किया जाएगा, जिसे इसको बोलते हैं कन्नड़ा में अग्नि परीक्षा। वो अग्नि परीक्षा मतलब ये एक आग से तुमको जाना पड़ेगा, जब तुमको हार्म कुछ नहीं होता इसका मतलब तुम प्योर हो। तो वो आग से निकलती है, फिर बाद में राम उसको कबूल करता है, वो एंड है। तो मैं सोचता था राम हिंदू के हिसाब से वो एक भगवान है और सीता भी एक भगवान है। जब भगवान एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती, भगवान भगवान के ऊपर क्यों भरोसा नहीं करता है। तो फिर मुझे ये लगा कि एक स्टोरी है। अब जब कुरान पढ़ रहा था, मेरे नानी को और मेरे माँ बाप को जब पूछता था रामायण रामायण जो है इसको कौन हमको दिया, रामायण किसने दिया हमको, तो वो बोलते थे रामायण लिखा हुआ है एक ऋषि से, वाल्मीकि जो बोलते हैं, वो ऋषि ने लिखा है रामायण। तो ये मैं सोचता था राम, मेरे नानी बोल रही है रामायण लिखा हुआ है। जब मैं उसको पूछा कुरान क्या है, वो बोलती थी कुरान जो है मुसलमानों के ऊपर उसके भगवान ने उनको दिया है, ये कोई लिखा नहीं है, भगवान ने दिया है। तब मैं सोचा नेचुरली जब ये किताब जो भगवान से है वो ज्यादा पावरफुल रहेगी, जो किताब लिखी हुई है वो ज्यादा वीक रहेगी। तो मैं सोचा भगवान से है कुरान, इसका क्या प्रूफ है, तो मैं तलाश करने लगा और भी एनालिसिस किया, जैसे गणेश है और गणेश की जब मैं एनालिसिस किया, गणेश भगवान हम इसको मानते हैं जब मैं हिंदू था, अभी पार्वती जिसकी पत्नी है, ईश्वर शिवा जिसको बोलते हैं, ईश्वर एक जो मोस्ट पावरफुल गॉड है, एक मोस्ट पावरफुल सबसे ताकतवर भगवान है, और ये ईश्वर की पत्नी है पार्वती। ईश्वर इतना ताकतवर है, अगर वो तीसरा आंख भी खोल देगा तो वो दुनिया भस्म हो जाएगा, ऐसा सब बिलीफ है। तब तो ऐसी ताकतवर भगवान की ये पत्नी है पार्वती, और वो भी भगवान है, गॉडेस बोलते हैं इंग्लिश में उसको। तो पार्वती उसको नहाना होता है और वो गणेश को बना देती है कि तुम मेरा वॉचमैन रहो। मैं सोचता था इतनी पावरफुल इतनी ताकतवर भगवान की बीवी को सिक्योरिटी क्या जरूरत है, फिर भी वो बनाती है गणेश को। फिर वो नहाने जाती है और ईश्वरा जो है घर में दाखिल होता है, उसके घर में जब आता है वो पूछता है गणेश को तुम कौन हो। तो मैं ताज्जुब हो गया ये पढ़ के और ये देख के भी कि ये कैसा सवाल पूछ सकता है ईश्वर, जब उसकी उसको इतना भी इल्म नहीं है उसके घर में क्या हो रहा है, उसकी बीवी ने उस गणेश को बनाया और उसको इल्म ये भी मालूम नहीं कि इसको कौन बनाया और मेरे घर में ये कब आया। वो आके पूछता है इसको तुम कौन हो, जब ये ताकतवर भगवान है इसको इतना मालूम होना चाहिए, पूरे दुनिया के हर कोने में क्या हो रहा है इसको मालूम होना चाहिए। लेकिन ये भगवान घर में आके बात करता है और गणेश से पूछता है कि तुम कौन हो, इसका मतलब जब ईश्वरा को उसके खुद के घर में जो हो रहा है वो मालूम नहीं है, तो मेरे घर में या दूसरों के घर में जो प्रॉब्लम्स इस दुनिया में हो रहा है उसको कैसे पता चलेगा। तब मैं सोचा ये जो है ये भी एक स्टोरी की जैसी लग रही है। फिर आगे जब देखेंगे स्टोरी क्या होता है, फिर ईश्वरा जो है गणेश की गर्दन काट देता है, जब गणेश उसको अंदर जाने नहीं देता है। उस टाइम पे पार्वती आती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये मेरा बेटा है और इसको वापस जिंदा करो। और ईश्वरा बोलता है मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने उसको काट दिया है। और पार्वती और ईश्वरा ये काफी दिनों तक ये झगड़ा चलता है। फिर बाद में ईश्वरा बोलता है कि मैं इसको हाथी का सर से उसको जोड़ता हूं और उसके एसोसिएट्स को बोलता है कि तुम हाथी इस डायरेक्शन पे जो सोया हुआ है वहां पे जाओ और उस हाथी को आप कट करो, उस हाथी के सर को, और वहां लेके आओ और मैं इसको जोड़ दूंगा। अब लेके आते और उसको जोड़ देता है। अब मैं सोचा ये क्या लॉजिक है, उसी सर को वो ज्यादा आसानी से जोड़ सकता है, हाथी के सर को क्यों जोड़ा, जब जान नहीं दे सकता हूं बोल के फिर बाद में हाथी के सर से क्यों उसको जान वापस दिया। बाद में मैं सोचा कि इतना बेरहम क्वालिटी, जब इसको सर उड़ा देना, कट कर देना, ये क्वालिटी भगवान की नहीं हो सकती है। इतनी बेरहमी से एक गलती उसने किया, उसने जाने नहीं दिया, उसको कत्ल कर दो इमीडिएटली, ये तो बेरहम एक कैरेक्टर है, भगवान की नहीं हो सकती है। फिर बाद में मैं सोचा गणेश की मैं पूजा क्यों करूं, जब वो खुद अपनी सर बचा नहीं सका
तो उसकी क्यों पूजा करो जो उसकी अपने आप की अपने खुद की जान की जब वो रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जान की मेरे घर वालों की मेरे माल की क्या रक्षा करेगा वो। तो इसीलिए मैं वो स्टोरी सुन के मुझे बहुत ये हुआ, अफसोस हुआ, और पढ़ के, और मैं जब मेरी नानी और इनसे सब पूछता था, मेरे घर वाले जो भी बड़े थे माँ बाप थे उनसे पूछता था कि भगवान को देखा कौन है, जब हम पूछते कि गणेश की फेस जो है ऐसा है, ईश्वरा का फेस ऐसा है, हमको कैसा मालूम है ये, तो घर में बोलते थे नहीं ये हम कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पूर्वज जो है बहुत पहले से करते आ रहे हैं, तो इसीलिए हम कर रहे हैं ये बात, तो इसीलिए हम पूजा कर रहे हैं इस मूर्तियों की। और जब मैं कुरान पढ़ रहा था, कुरान में भी यही आता है कि क्या अगर तुम्हारे पूर्वज जिहालत में थे, जब तुम्हारे सामने सच्चाई वाजे हो गई, क्या तुम भी जिहालत में रहोगे? तो मैं सोचा ये किताब जो है ये आंसर दे रहा है, जो मेरे क्वेश्चन जो मैं माँ बाप के पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चन को ये किताब मुझे आंसर दे रहा है, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन मैं सोचा वो फिर बाद में मैं और डीपली हिंदू एनालिसिस किया, मैसूर का था, हमारे मैसूर में चामुंडेश्वरी हिल जो है उस वो हिल एक विटनेस है, ये एक भगवान थी एक भगवान है बोल के, इसलिए मैं सोचा ये शायद ये भगवान मुझे बचा लेगी इस मुसलमान से आर्ग्यू करने के लिए। जब मैं उसके बारे में जब थोड़ा जानकारी लिया, वो भगवान चामुंडेश्वरी जिसको बोलते हैं, महिषासुर एक बड़ा राक्षस होता है हिंदुइज्म में, एक कॉन्सेप्ट है कि ये देवरु राक्षसरु इनके बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती है। ये राक्षसरु एक सेक्ट है, ये लोग जब राक्षस होते हैं, और ये राक्षस का ऑब्जेक्टिव इतना ही है कि ये लोग दुनिया में सबसे बड़े हो जाएं और ये देवरु जो है उनको खत्म करें, तो ये दोनों के बीच में बार बार लड़ाई होती रहती है। तो महिषासुर जो भी है वो भी एक राक्षस होता है, और ये राक्षस जो है ये लंबी तपस्या में बैठता है काफी सालों तक। जब इसकी तपस्या कबूल होता है, ब्रह्मा जो क्रिएटर है हिंदू बिलीफ के हिसाब से, वो इस तपस्या को कबूल करता है और वो बोलता है आपको जो चाहिए मांगे मैं दूंगा। और ये महिषासुर ये जो राक्षस है ये पूछता है कि मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बनाओ और मुझे अमर बनाओ, मुझे चिरंजीव बनाओ, मतलब मुझे कभी मौत नहीं आना चाहिए। और ब्रह्मा बोलता है ठीक है ये विश आपको ये वर मैंने आपको दे दिया। अब क्या होता है, और एक कॉन्सेप्ट है कि ये भगवान हिंदू हिसाब से हिंदू के बिलीफ के हिसाब से ये एक जगह पर रहते हैं उसको बोलते हैं देवलोक, और जो राक्षस रहते हैं उनका अलग जगह होता है, और मानव जो बोलते हैं मनुष्य और ये ह्यूमन बींग जो बोलते हैं उनका जगह है ये दुनिया। और ये राक्षस महिषासुर को जब मिल जाता है एक वर, सबसे ताकतवर बन जाऊंगा, और सबसे ताकतवर बनता है और इसको मौत कभी टच नहीं करेगी, ये जाता है देवलोका को और सबको देवताओं को मारने के लिए। मैं सोचता था कि ये कैसा कॉन्सेप्ट है, ये राक्षस तपस्या में बैठा, एक इबादत में बैठा इतने साल, तो और इतने साल के बाद उसने भगवान से वर मांगा कि मुझे ताकतवर बनाओ, और उसको भगवान ने वर दिया, फिर उसी भगवान की ये कत्ल करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब मैं भगवान को उल्लू बना सकता हूं, कभी भी भगवान 10 साल बैठो, भगवान से वर ले लो और उसके बाद में उसी को मारने लगो। तो मैं सोचा ये एक 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 इमेजिनरी स्टोरी है, ये सच नहीं हो सकता है, ये लॉजिकल नहीं है। तो बाद में क्या हुआ, ये राक्षस जब सबको मार रहा होता है, ये लोग देवते बोलते हैं देवते गुरु, ये लोग सब जाके इनसे मिलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा इनसे जाके मिलते हैं और इनको पूछते हैं कि हम ऐसे मुसीबत में हैं, ये महिषासुरा जो है हमको मार रहा है, हम क्या करें अभी? ये ब्रह्मा बोलता है अरे इसको मैंने वर दिया है, अभी मैं इसको वापस नहीं ले सकता, मैं वापस अगर लूंगा ये फिर से भी डीएक्टिवेट नहीं होगा, इसका इसका एक बार मैंने वर दे दिया मैं वापस नहीं ले सकता हूं। तो मैं सोचा कि ऐसा कैसा हो सकता है, मैं 10 साल बैठ के भगवान को उल्लू बना के एक वर ले लूं और बाद में उल्टा मैं भगवान को ही मारना शुरू कर दूं, ये सच नहीं हो सकता है। फिर ब्रह्मा बोलते हैं अच्छा मेरे पास एक रास्ता है इसको मारने के लिए, मैंने जो इसको वर दिया है, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जो दुनिया में ऑलरेडी हैं, भगवान आदमी कोई भी हो, तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो जो अभी मौजूद है इस दुनिया में, लेकिन जो आने वाले हैं उनसे ज्यादा ये ताकतवर रहेगा, ये तो वर नहीं दिया हूं, तो इसलिए हम ये काम करेंगे, एक नया एक भगवान को हम पैदा करेंगे जो उससे ज्यादा ताकतवर होगा और वो उसको मारेगा। तो ये क्या करते हैं, ये विष्णु बोलता है मैं औरत हो जाऊंगा, और शिवा जो है बोलता है कि मैं और तुम हमारा मिलन होगा, हमारे मिलन से जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा जो है वो नया भगवान होगा और वो महिषासुर को कत्ल करेगा, और जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम होता है चामुंडेश्वरी, वो लड़की होती है उसको चामुंडेश्वरी बोल के नाम रखते हैं।
मतलब चामुंडेश्वरी, वो ईश्वर का भी नाम ही आता है, चामुंडेश्वरी वो जाके उसको कत्ल कर देती है महिषासुर को। मैं सोचा एक मिनट के लिए सोचा, अगर मैं भगवान होता, मैं ब्रह्मा के जगह होता, तो मैं कभी, मुझे मालूम हो जाता था कि ये राक्षस 10 साल के लिए इसलिए बैठा है मुझे मारने के लिए, ये देवरों को खत्म करने के लिए इसलिए बैठा है, तो मैं कभी वर नहीं देता। ऐसा पूरा ड्रामा करने से अच्छा मैं वर नहीं देता, और या तो वर देने के बाद उसको कत्ल कर देता। तो ये सब देख के मुझे लगा एक हिंदुइज्म, एक माइथोलॉजी, और मेरे माँ बाप और सब लोग बोल रहे कि हमारे भगवान जो हम जिसको पूज रहे हैं, जो भी हमारे मूर्तियां हैं, बस ये लोग, ये सच कोई किताब में नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि ये हमारे पूर्वज कर देते। और एक ऐसी चीज थी जिससे मुझे ये आसान हुआ हिंदुइज्म के बारे में मैं बिलीफ छोड़ने के लिए, कि हमारे घर में एक कॉन्सेप्ट है मने देवरु, जिसको बोलते हैं घर का भगवान। हर एक घर का अपना अपना खुद का भगवान होता है, तो मेरे घर में भी हमारा मने देवरु जो बोलते हैं, हमारा घर का भगवान जो था वो स्नेक था, स्नेक सांप। और मेरे कजिन का मने देवरु घर का भगवान था ईगल। मेरे घर में जब भी फेस्टिवल होता था, मेरी माँ बोलती थी कि उनके घर पे जाओ मत, और उनके घर में जब फेस्टिवल होता था वो बोलते थे कि मेरे कजिन को मेरे घर पे आओ मत, क्योंकि ये ईगल गॉड और स्नेक गॉड और बोथ आर एनिमीज। तो मेरी माँ बोलती थी तुम्हारा गॉड जो है वो स्नेक है, अब उनका गॉड ईगल है, तब जब तुम फेस्टिवल में जाओगे तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। मैं सोचता था हाउ इलॉजिकल इट इज, ये तुम क्या बोल रही हो, ये सब मुझे समझ में नहीं आती है, क्योंकि मैं कजिन के घर जाना चाहता हूं और अच्छा खाना खाना चाहता हूं उधर भी, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो माई न्यू ड्रेसेस देयर, लेकिन तुम बोल रहे हो तुम जाओ मत, ये कैसा हो सकता है भगवान और भगवान के बीच में दुश्मनी। और अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि इस कायनात को बनाने में अगर एक से ज्यादा लोग होते, एक से ज्यादा क्रिएटर होते, तो बहुत ज्यादा कन्फ्यूजन होता है इस दुनिया में। तो मैं ये कन्फ्यूजन मेरे घर में ही दिख रहा है, क्योंकि मेरी माँ बोल रही है हमारा घर का भगवान जो है स्नेक है, और मेरे कजिन का घर का भगवान जो है वो जो है ईगल है। तो ये भी एक ऐसी चीज थी विच हेल्प मी टू आई बिलीव मोर इन इस्लाम, ये ऐसे सब चीज थी। और कुरान इसके बारे में लाइव अल्लाह ताला इज टॉकिंग टू मी इन दिस बुक, अल्लाह ताला बोल रहा है कि ये अगर इस दुनिया को बनाने में बहुत सारे भगवान होते तो उन भगवानों के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम भी होते। जैसे मैंने देखा रावण और राम और ब्रह्मा महिषासुरा और जो है ईश्वरा पार्वती, और ये सब जब देखा मैं, ये भगवान को दूसरे भगवान के बारे में मालूम ही नहीं है, जानकारी नहीं है। एक भगवान एक काम करता है उसके बारे में दूसरे भगवान को मालूम नहीं है। जब ब्रह्मा ने महिषासुरा को वर दिया उसके बारे में शिवा को मालूम नहीं, विष्णु को मालूम नहीं, जब ये सब कन्फ्यूजन ही है। तो अल्लाह ताला कुरान में भी यही बोल रहा है कि अगर इस दुनिया को और इस दुनिया में अगर एक से ज्यादा खुदा होते, तो एक से ज्यादा क्रिएटर होते, एक से ज्यादा अल्लाह होते, तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते। तो मैंने थोड़ा क्रिश्चियनिटी भी पढ़ा। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में जब था इंडिया में, मैसूर में, उधर एक पुष्पाश्रम बोल के एक जगह था, वहां पे क्रिश्चियंस लोग, फादर्स लोगों को ग्रेजुएट करते थे। तो उधर मैं क्रिसमस में कभी जाता था उनकी, हम लोगों को सब लोग, हम लोग एक टूर के हिसाब से उधर जाते थे और देखते थे, हमारे फैमिली सबको लोग बुलाते थे, हम पूरे माँ बाप के साथ जाके देखते थे, वो जो मूर्तियां रखते थे जीसस की, मदर मेरी की, हम लोग देखते थे। वो उतना इल्म मुझे था, ये लोग क्रिश्चियंस भी जीसस को पूछते हैं। जब मैं थोड़ा ज्यादा जानकारी लिया तब मुझे मालूम पड़ा, ये बोलते हैं जीसस इज द ओनली सन ऑफ गॉड, ओनली बिगॉटन सन ऑफ द गॉड, मतलब जो एक बेटा है, खुदा का बेटा है जो बोलते हैं। मैं सोचा हमारे घर में भी ये बात कभी कभी होती थी कि जब घर में लड़की पैदा होते तो ये लोग खुश नहीं होते थे हिंदू, हम इनको बेटों की ज्यादा जरूरत होती थी। और जब मैं पूछता था कि बेटे बेटे को इतना क्यों अहमियत देते थे, ये बोलते थे कि बेटों से हमारा खानदान आगे बढ़ता है। तो बेटों की जरूरत अल्लाह को, यू नो, अल्लाह को क्यों होना चाहिए, कि जब बेटा इसीलिए जरूरी है खानदान को आगे चलाने के लिए या नाम रोशन करने के लिए जो भी है, लेकिन अल्लाह को बेटा की जरूरत क्यों है? अल्लाह तो स्टार्टिंग भी है, एंडिंग भी अल्लाह ही है, मतलब बीच में कोई नहीं, अल्लाह की सब कुछ है। तब मैं सोचा कि ये क्रिश्चियनिटी का जीसस सन ऑफ गॉड ये जो भी है जिसको पूछते हैं, और मदर मैरी, ट्रिनिटी का जो भी कॉन्सेप्ट है, ये भी हिंदू के आसपास है, हिंदुइज्म के सेम फिलोसफी है। तो मैंने क्रिश्चियनिटी को भी मैंने बहुत देर तक एनालाइज नहीं किया, फिर बाद में मैंने वो भी छोड़ दिया। जब मैं कुरान पढ़ रहा था मुझे मालूम हो गया कि इस्लाम सच है, लेकिन
मुझे कबूल करने बहुत मुश्किल हो रहा था कि इस्लाम सच है, क्योंकि मैं मुसलमानों को बहुत नफरत करता था और मुझे मेरे फैमिली मुस्लिम्स के बहुत खिलाफ था, मतलब ब्राह्मीन कम्युनिटी एज सच। तो मुझे डर भी लगता था कि ये कैसे सच हो सकता है। जब मैं कुरान पढ़ रहा था, आगे थोड़ी आयत आई जो मैं आपसे शेयर करूंगा, ये आयत जो है मेरे दिल के अंदर बहुत तकलीफ हुआ और उसके बाद में मैंने इस्लाम कबूल किया। मैं सोचा अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि मैं हर चीज को माफ करूंगा जिसको चाहिए उसको, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करूंगा। तो मैं सोचा मैं शिर्क को छोड़ दूंगा, बाकी सारे चीज मैं करते रहूंगा, क्योंकि शिर्क को छोड़ने के बाद मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं जिससे मुझे अल्लाह ताला पनिशमेंट दे। तो मैंने शिर्क छोड़ दिया और मैं सोचा जो भी मैं कुरान पढ़ के मैं जो फॉलो कर सकता हूं मुसलमान नहीं बन के, वो मैं करूंगा। तो मैं शिर्क छोड़ दिया और घर में झगड़ा शुरू हो गया। घर में पूछने लगे कि तुम शिर्क क्यों छोड़े, मतलब पूजा करना क्यों छोड़े इन बुतों को। और मैं बोला कि मैं आजकल मॉडर्न बन रहा हूं, कॉलेज में जा रहा हूं और कॉलेज में सब मजाक उड़ाते हैं कि तुम ये तुम नामा सब लगाते हो, कुमकुम सब लगाते हो, इसलिए मैंने छोड़ दिया ताकि मुझे मॉडर्न बनना है। तो मेरी मां थोड़ा कन्विंस हो गई, तो मैं पूजा छोड़ दिया। और ये सब एनालिसिस जब मेरा पूरा हुआ तो उसी टाइम पर मेरा कॉलेज भी स्टार्ट हो गया, मेरा सेकेंड ईयर चालू हो गया। तो मैं वो दुकान से बाहर आ गया। अब जो है पूरा कुरान पढ़ा, लेकिन पूरा कुरान पढ़ने के बाद मुझे थोड़ी आयत समझ में आई, वो तो शिर्क करना नहीं चाहिए और आखिरत क्या, ये सब समझ में आया था। और हर एक आयत का माना समझ में आया था कि आयत अल्लाह ताला अपने आप को आयत से प्रूव करते कि अल्लाह ताला का एग्जिस्टेंस अल्लाह के ऊपर यकीन रखने के लिए अल्लाह की आयत को अगर हम सोचेंगे, उसके बारे में गौर करेंगे, तब हमको बिलीव होगा अल्लाह की एग्जिस्टेंस। मतलब अल्लाह हमारे सामने जाहिर नहीं है, मतलब अल्लाह को देख नहीं सकते, लेकिन अल्लाह के आयत को देखकर हम बिलीव करना चाहिए, इतना मुझे समझ में आया था। फिर दूसरी आयत जब मैंने कुरान में पढ़ा, हाउ कैन यू डिसबिलीव इन अल्लाह व्हेन यू आर लाइफलेस, वी गेव यू लाइफ एंड वी विल कॉज यू टू डाई अगेन एंड वी विल कॉज यू टू लाइफ अगेन, वी विल ब्रिंग बैक टू लाइफ अगेन। तो मैं सोचा यू नो इट्स नॉट इजी फॉर मी टू बिलीव दैट ऑन द डे ऑफ जजमेंट वी विल बी ब्रॉट बैक टू लाइफ। मतलब जब अल्लाह ताला बोल रहा है कि तुम अल्लाह के ऊपर कुफर कैसे कर सकते हो जब तुम नहीं थे और बाद में तुमको अल्लाह ने एक लाइफ दिया, फिर बाद में अल्लाह तुमको मौत देगा, फिर उसके बाद में अल्लाह तुमको फिर से वापस जिंदगी देगा, खड़ा करेगा आखिरत के दिन। तो मैं सोचा हाँ ये सच है, अल्लाह ताला जो बोल रहा है ये सच है, क्यों 18-20 ईयर्स बैक मेरा एग्जिस्टेंस ही नहीं था, आई वॉज नॉट देयर बिफोर आई वॉज बॉर्न, लेकिन ये धरती तो था मेरे पैदा होने से पहले, सेंचुरीज के हिसाब से ये धरती चल रही थी, लेकिन अभी ऐसा कैसा हो सकता है कि हाउ आई डिसबिलीव इन अल्लाह। अल्लाह सेज यू आर लाइफलेस, हाँ मुझे 20-25 ईयर्स बैक आई वॉज लाइफलेस, मैं नहीं था इस धरती पर, फिर बाद में अल्लाह गेव मी लाइफ, यस अल्लाह गेव मी लाइफ, देन आफ्टरवर्ड्स ही विल कॉज मी टू डाई, वी नो दैट वी विल डाई, और मैं एक दिन मरूंगा, फिर अल्लाह विल ब्रिंग बैक मी टू लाइफ अगेन ऑन द डे ऑफ जजमेंट, एंड हाँ अल्लाह मुझे फिर से जिंदगी देंगे आखिरत के दिन। जब ये दोनों सच है, मैं जिंदा नहीं था मेरे पैदा होने से पहले, फिर अल्लाह ने मुझे जिंदा किया, अल्लाह ने मुझे लाइफ दिया, फिर मुझे मौत भी देगा अल्लाह ताला, ये दोनों अगर सच है तो तीसरी चीज भी सच है। और दिस हेल्प मी टू बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट। एट द सेम टाइम हमारे हिंदुइज्म में ये कॉन्सेप्ट है कि पुनर्जन्म, पुनर्जन्म जो बोलते हैं कि अगर मैंने ऐसी कोई गलती की है, जो बड़ा गलती अगर मैंने किया, मैं कुत्ता हो जाऊंगा या तो पिग हो जाऊंगा या तो फिर इंसेक्ट हो जाऊंगा या तो फिर बर्ड हो जाऊंगा। मैं सोचा अगर मुझे कुत्ता पसंद नहीं है, मुझे कुत्ता होना पसंद नहीं है, मैं कुछ भी हो सकता हूं लेकिन कुत्ता होना पसंद नहीं है, पिग होना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं क्या काम करूं जिससे मैं कुत्ता होना बच जाऊं या पिग होना बच जाऊं। ये दोनों चीज मैं बनना नहीं चाहता हूं, ये दोनों चीज से मैं कैसे बचूं पुनर्जन्म में। मैं सोचता इसके बारे में, देर इज नो वे इट कम्युनिकेट्स, मतलब ऐसा कोई कम्युनिकेशन नहीं है इनके बीच में मुझे मालूम होने के लिए। अगर मुझे मालूम होना चाहिए ये कुत्ता क्यों बना है, ये कुत्ता ऐसे क्या गुनाह किया है, एक इसका प्रीवियस लाइफ जो था वो एक मनुष्य जन्म था, लेकिन अभी इस जन्म में जो है ये कुत्ता है, इसने क्या गुनाह किया है, ये कुत्ता बना है, मुझे मालूम होना चाहिए ताकि मैं वो गुनाह नहीं करूंगा, मैं वो मिस्टेक्स नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि देर इज लाइफ आफ्टर विच इज आइदर हेल और हेवन, नथिंग इन बिटवीन। और अल्लाह ताला सूरह बकरा में बोलते हैं कि दीज देयर द पीपल हु आर सक्सेसफुल एंड वन ऑफ द
और एक जो चीज है इन ईमान वालों को बिलीव करने के लिए, यकीन आखिरत पर होना चाहिए। ये यकीन, मैं सोचता था आखिरत क्या है, आखिरत ऐसी क्या चीज है, आखिरत पर मैं कैसे यकीन करूं, क्योंकि जो पूरे जो आयत से ये मुझे मदद किया कि मेरे घर में बोलते थे हम मूर्ति पूजा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज कर रहे थे, और कुरान बोल रहा है तुम्हारे पूर्वज अगर जिहालत में थे क्या तुम भी रहोगे जब सच्चाई वाजे होगे, और मेरे दिल में ये बात आती थी मैं इस्लाम फॉलो करूंगा लेकिन नमाज पढ़ूंगा और मेरे हिसाब से पढ़ूंगा, मुसलमानों के जैसा नहीं पढ़ूंगा, तब ये दूसरी भी आयत आई कि विच हेल्प मी टू, जो मुझे मदद किया इस्लाम को फॉलो करने के लिए, आज मैंने इस्लाम को परफेक्ट किया, मुकम्मल किया, और इसके सिवा दूसरे कोई मजहब को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और ये सब आयत मुझे मदद किया। लेकिन मैं सोचा आखिरत के लिए क्या आयत है, और अल्लाह ताला पूरे कुरान में बोलता है कि मेरे बंदों को जो लोग सोचते हैं उनके लिए मैं हर दिन हजारों आयत दिखाता हूं, दिन होता है, रात होता है, बारिश होती है, ये सब देखने के लिए आयत है लेकिन लोग सोचते नहीं है, तो आखिरत के लिए ऐसा क्या आयत है। मैं सोच रहा था जब ऐसी टाइम पर मैं मेरे को एक चैप्टर याद आया मेरे साइंस में जब पढ़ रहा था अर्थ के बारे में, और मेरी बहन भी 10th स्टैंडर्ड में थी, जब उनकी जब किताबें देखा तो मुझे मालूम पड़ा अर्थ का क्रस्ट कैसा बना है, अर्थ कैसा बना हुआ है, सो मेनी किलोमीटर्स डाउन देयर इज वाटर, उसके बाद जो है वो ये है, उसके बाद जो पत्थर है, फिर बाद में आग है, वो आग इसी से वॉल्केनो आती है। तो मुझे सोचा यही एक आयत है अल्लाह ताला जो मुझे कम्युनिकेट करा, ये आयत है यकीन करने के लिए जहन्नम पर, और जन्नत पर कैसे यकीन करो कि जन्नत रहेगा या नहीं रहेगा। जब मैं टीवी देखता था ये कश्मीर वगैरह सब, कश्मीर और ऊटी, ये जब गार्डन्स देखता था, तब मुझे मैं सोचता था अगर दुनिया में इस धरती में अगर अल्लाह ताला इतने अच्छे गार्डन जब बना सकते हैं तो आखिरत में क्यों नहीं रहेगा इतने अच्छे गार्डन। तो मुझे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं हुआ, मैंने आखिरत पर यकीन कर लिया। फिर कभी कभी मेरे दिल में ये भी ख्याल आती थी कि क्या ये सब कुछ साइंस से तो नहीं है, ये सब कुछ हम अल्लाह भी नहीं है, ये हिंदुइज्म भी रॉन्ग है, क्रिश्चियनिटी भी रॉन्ग है, एक ये सब कुछ साइंस से तो नहीं है, मतलब कोई भगवान ही नहीं, ये सब हुआ अपने आप हो गया। तो कभी कभी मेरे दिल में ये भी ख्याल आता था जब मैं सोचता था उसके बारे में, वो बिग बैंग थ्योरी ऐसा है कि टू समराइज मतलब सिंपल वे कि एक वो फायर बॉल था, आग का बॉल था, और वो जब डिस्ट्रॉय हुआ वो ये दुनिया और ये रिवर्स स्काईज ये सब फॉर्म हो गए। तो ये बिग बैंग थियरी इन ए नटशेल ये जब बोलती है, जब मैं सोचा एक रबर बॉल अगर टूटता है डिस्ट्रॉय होता है तो रबर के पीसेस नजर आएंगे, कुछ ज्यादा नजर नहीं आएगा रबर बॉल से ज्यादा, उसी हिसाब से अगर एक फायर बॉल एक आग का बॉल भी अगर डिस्ट्रॉय होता है तो आग ही दिखना चाहिए हर जगह, ऐसे कैसे कि पानी भी है धरती में और ग्रीनरी भी है और हमारे लाइफ है, ये साइंस भी थोड़ा इट वॉज नॉट हेल्पिंग मी। तो मुझे मालूम पड़ा कि ये साइंस जो है एक चीज बता रही है लेकिन इट इज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ बिग बैंग थियरी, लेकिन अल्लाह ताला बोलता है पूरे क्रिएशन कैसे हुआ इन कुरान में, तो वो अल्लाह ने आंसर दिया। अब जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ तब मैं पूरा फुल टाइम उस दुकान में नहीं जाता था, लेकिन सैटरडे संडे उस दुकान में जाता था क्योंकि उस ओनर से भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो उनका बिहेवियर अच्छा था, जब हमारा सैलरी टाइम पे देते थे, ज्यादा चीटिंग नहीं करते थे मेरे माँ के बिजनेस में, और हमको सब मदद करते थे, और जो भी दुकान में थे उन सबकी मदद करते थे जब जरूरत हो। तब मैं सोचा उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, हर सैटरडे संडे जाता था, और जब भी जाता वो बिजी रहते थे उनके काम में और मैं कुरान पढ़ता था। जब कुरान पढ़ता था नेक्स्ट टाइम जब गया मैं, और हमेशा जब भी मैं कुरान पढ़ने फिर से शुरू करता मुझे डर लगता था, लास्ट टाइम मैंने पढ़ा नहीं बराबर, तो फिर से शुरू करता था कुरान पढ़ने बिगिनिंग से, सूरह फातिहा सूरह बकरा फिर से शुरू करता था। जब फिर से शुरू किया कुरान में एक आयत ऐसा आया सूरह बकरा में, दिस इज द बुक ऑफ विच दिस इज द बुक फ्रॉम योर लॉर्ड ऑन विच देर इज नो डाउट एंड दिस इज अ गाइडेंस फॉर दोज हु आर कॉन्शियस एंड हु हैव द फेथ इन अल्लाह एंड फेथ इन अनसीन एंड हु हैव फेथ इन द हियर आफ्टर एंड। तो ये आयत एक छह आयत थी, उससे मुझे डर लग रहा था और मैंने नमाज पढ़ना शुरू किया, वो छह आयत था, वन इज वी शुड बिलीव इन द वी शुड हैव द कॉन्शियसनेस एंड वी शुड बिलीव इन द अनसीन विच इज अल्लाह सुबहान तआला जो दिखते नहीं है, और एंजल्स और आखिरत उस पर, और दूसरी चीज वो है कि
कि एस्टैब्लिश प्रेयर, और चौथी चीज यू नो बिलीव इन व्हाट इज रिवील्ड ऑन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड व्हाट वाज रिवील्ड बिफोर हिम, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ और उनसे पहले जो नाजिल हुआ उसके ऊपर ईमान लेके आना, ये थी। और जो हमने दिया है आपको उससे खर्च करो, मतलब जकात दो वगैरह, सदका करो। एंड फाइनल चीज था कि आखिरत पर यकीन रखने वाले ये लोग हैं जो रियली सक्सेसफुल हैं, और ये लोग ट्रू गाइडेंस पर हैं, ये लोग जो है सही हिदायत पर हैं। इसीलिए जब ये आयत पढ़ा तब मुझे लगा कि ये आयत के हिसाब से मैं सक्सेसफुल नहीं हूं, कि मैंने शिर्क छोड़ दिया, लेकिन ये आयत बोलता है कि हु आर कॉन्शियस एंड हु आर बिलीव इन अनसीन एंड हु आर स्टेडफास्ट इन द प्रेयर, हु आर एस्टैब्लिशिंग द प्रेयर्स। अब बाकी चीज जकात ये सब तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, मतलब मैं उसका एलिजिबल नहीं था, तो मुझे अब जरूरी है कि मैं प्रेयर को एस्टैब्लिश करूं, मतलब मेरी नमाज जो है इसको शुरू करूं। और मैं दो दिन हो गया मैं घर चला गया और मैं सोचता रहा मुझे अभी प्रेयर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वगैरह सब। अब मैं इन लोगों से मिला जो ऑलरेडी मुसलमान हुए थे, उनसे पूछा कि तुम लोग कैसे नमाज पढ़ते हो। लोगों ने एक डायरी दिखाया, ब्लैक डायरी, हम कनाडा में लिखे इससे सीखे, हम इससे नमाज पढ़ना शुरू किया। तब मैं भी नमाज पढ़ना शुरू किया जब वो लोग जैसे कर रहे थे, लेकिन नमाज पढ़ने से पहले मैंने ये सूरह जब कोशिश किया पढ़ने के लिए, बहुत मुश्किल हो रहा था मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के लिए भी मुझे बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि ये अरबिक जबान इतना आसान नहीं था मुझे बोलने के लिए, तो काफी टाइम लगा ये सूरह सीखने के लिए। जब सूरह सीखता था बीच में मुझे कभी कभी ये ख्याल भी आता था कि मैं मुसलमानों की जैसा नमाज क्यों पढ़ू, मैं नमाज पढ़ूंगा मेरे हिसाब से पढ़ूंगा, मेरे हिसाब से मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरे हिसाब से मैं अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह से इबादत करूंगा, इनके जैसा क्यों करूं, और ये अरबिक मुश्किल भी है। तो मैं सोचा मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा नहीं तो कन्नड़ा में पढ़ूंगा, पूरे ट्रांसलेशन है तो अरबिक में क्यों पढ़ना चाहिए। तब मैं ये सोचा थोड़े दिन, मैं सोचा अच्छा ठीक है ऐसे ही करते हैं। तो मैं जब फिर से जब गया नेक्स्ट सैटरडे संडे उधर कुरान पढ़ने के लिए, तब सूरह इमरान में मुझे एक आयत आती है, टुडे वी हैव परफेक्टेड दिस रिलीजन एंड वी हैव चूजन इस्लाम फॉर यू, अपार्ट फ्रॉम दिस रिलीजन नोबडी, नो अदर रिलीजन इज एक्सेप्टेड एंड एनीबडी एल्स फॉलोज अदर देन दिस दे आर थ्रोन टू हेलफायर। मुझे डर लगने लगा कि पहले दिन मैंने डिसाइड किया मैं शिर्क नहीं करूंगा, और जब नेक्स्ट टाइम जब कुरान पढ़ा ये बोल रहा है कि एस्टैब्लिश प्रेयर। अब मैं एस्टैब्लिश प्रेयर करने सोचा था, जब एस्टैब्लिश प्रेयर करने के लिए जब पूरे सूरह जब पढ़ रहा था इतना मुश्किल हो रहा था, मैंने सोचा मेरे हिसाब से मैं नमाज पढ़ूंगा। अब कुरान बोलता है मुझे इस्लाम इज द ओनली रिलीजन विच इज एक्सेप्टेड, तो मुझे धीरे धीरे डर लगने लगा और ये यकीन आता रहा कि ये किताब जो है एक आदमी लिख नहीं सकता है, जो मेरे दिल के अंदर जो अंदर जो स्ट्रगल हो रहा है, मेरे दिल के अंदर जो दिन रात मैं सोच रहा हूं कि ये सच है ये सही है, अच्छा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये जो हो रहा है उसके जवाब जो है ये कुरान में मुझे मिल रहा है। और मैं ये बात किसी से बोल नहीं रहा हूं, ये इसका जवाब मुझे कुरान से मिल रहा है, इस मेरे जिसके दिल के हालत पर कुरान मुझे कमांड कर रहा है कि ये सही है ये गलत है। तो मुझे डर भी लगने लगा और यकीन होने लगा कि इस किताब को एक आदमी नहीं लिख सकता है, मुझे जो भी बनाया हो, जो भी जो बनाया है, मुझे जो बनाया है वही इस किताब को नाजिल कर सकता है। तब मुझे यकीन आने लगा ये किताब जो है अल्लाह की तरफ से है। फिर मैं बहुत मेहनत किया, 3-4 महीने लगे, फिर नमाज पढ़ना शुरू हुआ, सब सूरज लर्न किया, फिर नमाज पढ़ रहा था। और कभी कभी नमाज मेरी होती थी, कभी कभी नहीं होती थी, क्योंकि घर पे मेरे माँ बाप के सामने तो नहीं पढ़ता था। और अभी नमाज तो पढ़ रहा हूं, शिर्क नहीं कर रहा हूं, नमाज पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं सोचा अभी ठीक चल रहा है, अब जरूरी नहीं कि मैं और आगे जाऊं। तो मैं सोचा अभी मेरा पढ़ाई कंप्लीट कर लेता हूं, मैं इंजीनियरिंग फिनिश करता हूं, फिर बाद में मैं एमबीए करूंगा, उसके बाद में मैं इस्लाम कबूल करूंगा, तब तक मैं इस्लाम नहीं कबूल करूंगा, तब तक मैं शिर्क छोड़ूंगा और नमाज पढ़ूंगा, ये दो से ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब नेक्स्ट टाइम मैं जब कुरान पढ़ने लगा फिर से, जैसे मैं शुरू से पढ़ने लगा, सूरह बकरा में दूसरी आयत आती है कि ये लोग किस चीज के लिए इंतजार कर रहे हैं, ये लोग इंतजार कर रहे हैं अल्लाह और अल्लाह की मलाइका को, जब वो आसमान में आ जाए तब तो कयामत है, मतलब देन द मैटर इज सेटल्ड। तो इंग्लिश में आयत मुझे बहुत लगती थी, व्हाट आर दिस पीपल वेटिंग फॉर, आर दे वेटिंग फॉर अल्लाह टू कम आउट विद द एंजल्स इन द क्लाउड्स, देन द मैटर इज सेटल्ड। इसका मतलब ये था कि ये किस चीज पर इंतजार कर रहे हैं, अगर ये लोग वेट कर रहे हैं अल्लाह के ऊपर यकीन करने के लिए, कयामत कभी भी आ सकती है, आर दे वेटिंग फॉर अल्लाह टू कम आउट विद द एंजल्स। तो अब मुझे और डर लगता था कि जब मैं नमाज पढ़ना शुरू किया, अब कुरान बोल रहा है कि मुझे किस चीज के लिए इंतजार कर रहा हूं, और मैं अंदर ही अंदर ये प्लान किया था मैं इंजीनियरिंग पढ़ूंगा एमबीए करूंगा उसके बाद में मैं घर से बाहर आऊंगा, जरूरत नहीं था घर से बाहर आने के लिए, लेकिन घर के अंदर भी तो नहीं कर सकता था, एक मुझे मालूम था मुझे घर से बाहर आना है। तो
मैं सोचा अभी मुझे और ज्यादा स्टेप्स लेना पड़ा, नहीं, और मैं कुरान पढ़ते रहा और मैं घर पे नमाज पढ़ते रहा। मैं सोचा कि मुझे एक रास्ता निकालना चाहिए कि इस्लाम कंप्लीटली फॉलो करने के लिए। और बार बार अल्लाह ताला कुरान में बोलता है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, और मुझे मालूम था कि मैं पूरा दाखिल नहीं हूं, क्यों, मैं शिर्क छोड़ दिया और नमाज पढ़ रहा था बस, और बाकी जो भी इस्लाम की अहकाम थे वो नहीं कर रहा था। जुमा को मस्जिद में नहीं जा रहा था, और रोजा जब रखता था कभी कभी रखता था कभी कभी नहीं रखता था। तो मुझे मालूम था कि मैं इस्लाम में कंप्लीटली नहीं हूं, मुझे कंप्लीटली आने के लिए कुरान बोल रहा है, अब मुझे कंप्लीटली आना चाहिए। फिर बाद में पहला रमजान आया, मैं पहले रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे रोजा रखा, फर्स्ट 2 डेज शायद छूट गया होगा, पूरे के पूरे रोजा रखा। और मेरे घर में बहुत झगड़ा होती थी कि माँ को डाउट आने लग गया मैं रोजा रख रहा हूँ बोल के। अब जब उसको डाउट आता था उस दिन मैं उससे बचने के लिए वो जब फोर्स करती थी उसके सामने खा लेता, तो ऐसे 2 रोजे छूट गए होंगे। फिर पहले रमजान हुआ, फिर बाद में मैं अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा स्ट्रांग हुआ, थोड़ा यकीन भी हुआ। अब घर पे जो बात करने लगते थे हम डेली डिनर पे लंच पे, जब उनको बताने लगा क्यों अभी जब मेरा प्लान के हिसाब से कुछ भी नहीं होगा, मुझे अभी घर में बोलना चाहिए धीरे धीरे कि मैं इस्लाम में आ रहा हूं, तब मैं घर में बोलने लगा धीरे धीरे कि ये गलत है हम जो कर रहे हैं। फिर ये सब बोलता भी रहा, और कॉलेज में जाते, कॉलेज भी पढ़ाई भी होती थी, कभी कभी दिल में ये ख्याल भी आता था कि ये सब जरूरी है क्या, अभी मैं बच्चा हूं, अभी मैं 17-18 ईयर्स में हूं और मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ये सब जरूरी नहीं है, ये अभी ठीक है मैं शिर्क छोड़ दिया और नमाज पढ़ रहा हूं, लेकिन घर से बाहर जाना जरूरी नहीं है, मैं सब कमाऊंगा, अच्छा पोस्ट पे आऊंगा, तब जाके मैं पूरा का पूरा इस्लाम फॉलो करूंगा, ये ख्याल भी आता था। कभी नमाज के लिए भी इरेगुलर हो जाता था, जब घर में नमाज पढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी जब होते थे वो नमाज छोड़ देता था कोई भी बहाना लेके। फिर बाद में कभी भी हॉलीडेज आता सैटरडे संडे, फिर वो दुकान में जाता कुरान पढ़ता था, जिससे बिगिनिंग से जब पढ़ता था वो कुरान में आता था कि सूरह बकरा में देयर आर पीपल हु से वी बिलीव इन अल्लाह इन द लास्ट डे एंड दे आर डिसीविंग अल्लाह, दे थिंक दे आर डिसीविंग अल्लाह एंड द बिलीवर्स बट दे आर नॉट डिसीविंग एनीबडी एल्स, दे आर डिसीविंग देमसेल्व्स। इसका मतलब ये कि थोड़े लोग हैं जो बोलते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो हकीकत पे ईमान नहीं रखते हैं, वो बस एक मजाक कर रहे हैं, एक धोखा दे रहे हैं अल्लाह और अल्लाह के बंदों को, लेकिन ये धोखा किसी और को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तब मैं सोचता था कि क्या ये आयत मेरे लिए है क्या, कि क्या मैं अल्लाह को धोखा दे रहा हूँ, क्या मैं अल्लाह के बंदों को धोखा दे रहा हूँ। तब मैं तुरंत सोचता था कि और जब फॉलोइंग आयत ये आती है व्हेन दे आर अलोन विद द इविल वंस दे से वी वर जस्ट मॉकिंग एट देम वी वर नॉट बिलीवर्स, जब मैं सोचता था इस आयत के बारे में, इतना तो था पहली बार पहली आयत से मुझे बहुत डर लगता था, दे बिलीव इन अल्लाह बट दे आर नॉट रियली बिलीवर्स, मुझे डर लगता था। लेकिन दूसरे आयत से थोड़ा मुझे ये रिलैक्स होता था, क्योंकि मेरे मेरे साथ कोई ऐसे नहीं थे टू से दैट आई एम जस्ट मॉकिंग एट देम, तो मैं थोड़ा सेफ होता था। लेकिन मेरे दिल के अंदर जो एक केयरलेसनेस था, जो स्टेडफास्ट नहीं था दीन से, ये आयत मुझे बहुत लगता था। और फिर बाद में मैं नमाज बराबर ट्रैक पे पढ़ता था, टाइम पर पढ़ता था। फिर बाद में क्या हुआ, फिर से मैं कॉलेज वीकडेज आते थे कॉलेज जाता था, फिर सोचता था इसके बारे में, फिर कभी कभी बैक सीट ले लेता कि ये जरूरी नहीं है, मेरे करियर जरूरी है, मेरे को अच्छा मार्क्स लेके आना, ये सब जरूरी नहीं है। फिर एक दो आयत ऐसी मैं पढ़ा, फिर बाद में दैट चेंज्ड माय लाइफ। वो फिर बाद में मैं घर में ओपनली डिस्कस करने लगा इस्लाम के बारे में। वो लास्ट एक आयत ये थी विच रियली हेल्प मी अलॉट टू चेंज, मतलब बहुत मुझे मदद किया है चेंज करने के लिए मेरे लाइफ। वो था कि व्हेन द डेथ अप्रोचेस देम they will my angels will ask them what state you were in, and they will reply we were weak and oppressed in this world, and angels will reply was Allah's land was not vast enough for you to emigrate and follow Islam। मतलब जब इनकी मौत आएगी मेरे मलाइका इनको पूछेंगे कि तुम किस हालत में थे, और ये लोग रिप्लाई करेंगे कि हम बहुत वीक थे, हम बहुत मजबूर थे। मेरे मलाइका इनको रिप्लाई करेंगे क्या अल्लाह की धरती इतनी विशाल नहीं थी ताकि तुम हिजरत करके तुम इस्लाम फॉलो करो। तब ये मुझे मैं सोचा ये अल्लाह ताला मुझे बोल रहा है, मैं बार बार अपने आप को मैं फजर नहीं पढ़ रहा हूं, असर नहीं पढ़ रहा हूं, मेरी माँ है, मैं वीक हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं कमा नहीं रहा हूं, अब मैं पूरा का पूरा इस्लाम फॉलो नहीं करता हूं, ये सब मेरे दिल में आता था। जब ये आयत पढ़ा तो मुझे लगा कि अल्लाह ताला इज आंसरिंग टू माई क्वेश्चन इन माई हार्ट।
तो तब मैं सोचा अच्छा ठीक है अभी मैं ओपनली डिक्लेयर करूंगा घर में। अब घर में मैं ओपनली बोलने लगा इस्लाम सच्चे और तुम लोग जो कर रहे हो सही है, तुम लोग जो कर रहे हो वो सही नहीं है और मैं जो कर रहा हूं वो सही है, और ये मूर्ति पूजा सब हिंदुइज्म में नहीं है। अब क्या हुआ, मेरे माँ बाप ने सोचा कि ये इतना सीरियस नहीं है, वो ऐसे ही बोल रहा है। फिर धीरे 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 मेरे डिप्लोमा जो खत्म होती रही, मैंने अपने प्रिंसिपल से भी पूछा कि लीगल प्रोसीजर क्या है इस्लाम कबूल करने की। फिर उन्होंने बताया लीगल प्रोसीजर जो भी है, उसके बाद मुझे काम मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर इतना हुआ मेरे घर में, जब मैं पूरा बोल रहा था, मेरे माँ बाप ये मानते थे हम मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, लेकिन वो बोलते थे कि हम इस्लाम फॉलो इसलिए नहीं कर सकते, हमारी सोसाइटी हमारी कम्युनिटी हमको ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में भी ये बोलते हैं कि ये नबी ये लोग इस किताब को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपनी बेटों को पहचानते हैं। तो जैसे हमारे फैमिली जैसे बोलती है, जब मैं पूरा उनको इस्लाम का मैसेज दिया, वो लोग भी बोल रहे तुम जो बोल रहे हो सच है, लेकिन हम फॉलो इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तब ये आयत इज टॉकिंग अबाउट द सेम बिहेवियर ऑफ देम। तो काफी सारा ऐसा सब अंदर मेरे दिल में बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, अंदर ही अंदर एक स्ट्रगल था, एक क्या करूं मैं इस्लाम कबूल करूं या क्या करूं। लेकिन मन ही मन मेरे दिल ये बोल रहा था कि इस्लाम सच है और मैं मानने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि माँ बाप और ये सब वगैरह। जब ये आयत पढ़ा, व्हाट स्टेट दे वर इन, व्हाट स्टेट यू आर इन व्हेन यू नो वी विल बी आस्ट व्हेन आई एम इन माय डेथ बेड एंड आई विल से आई एम वीक एंड अप्रेस्ड, तो ये आयत जो है ये मुझे बहुत लगा। इसके बाद में मैं डेली दुआ करने लगा अल्लाह से कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे मैं घर छोड़ दूं और इस्लाम कंप्लीटली फॉलो करूं। और डेली घर में झगड़ा होता था, और एक बार एक बात पर बहुत सीरियस झगड़ा हुआ माँ से, और माँ बोली घर छोड़ के तुम चले जाओ, तुम आजकल हमारी बात नहीं मानते हो। और मैं सोचा भाई यही एक अपॉर्चुनिटी है, मैं घर छोड़ूंगा और इस्लाम पर फॉलो करूंगा। अब मैं घर छोड़ने के लिए रेडी हो रहा था, मेरी बहन भी बोली मैं भी इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ। मैं जब घर में सब लोगों को ये समझा रहा था इस्लाम क्या है, तो मेरी बहन समझी, वो बोली कि मुझे यकीन है तुम जो बोल रहे हो इस पर और ये राइट है, तो इसलिए मैं भी इस्लाम में को आना चाहती हूँ। फिर बाद में वो इस्लाम कबूल करी, तो फिर वो भी मेरे साथ आ गए, हम लोगों ने घर छोड़ा। अब्दुल्ला अबाउट 9 ईयर्स नाउ आई हैव एम्ब्रेस इस्लाम, अल्लाह से ग्रेस मसीह। सो दिस इज ऑल माई स्टोरी अबाउट हाउ आई एम्ब्रेस इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।